हरे कृष्ण जल प्रभुपाद की कई कई अब ट्रांसलेशन कर दो देखो प्रभु वन ही ट्रांसलेट ना ही डू ट्रांसलेट उसके पास मशीन है अब कौन सा नंबर है क्या नंबर क्या अनदर प्रभु ही आल्सो डू ट्रांसलेट ही आप नेट सुन दे अटीचर ने अमित प्रभु अमित प्रभु हिंदी तो हिंदी तो बोले गिरिराज महाराज की बोले श्रील प्रभुपाद की बोले चटक पर्वत की निताई गौर ब्रह्मानंद हरि बोल हरि आज देखो हम लोग गुरु वैष्णव के आनुगत्य में श्री धाम क्षेत्र मंडल में हम आए हैं ये धाम का नाम क्या है श्री क्षेत्र मीनिंग श्री मतलब श्रीमती राधा रानी क्षेत्र में नहीं जो राधा रानी की ही क्षेत्र है राधा रानी की ही क्षेत्र है एक तरह का जैसे वृंदावन में जैसे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा गोकुलानंद देखोगे अब सब ठाकुर यहाँ पर भी है अभी तो गोपीनाथ दर्शन करते हुए आए अभी हम जहाँ जाएंगे वहां पर राधा श्याम सुंदर है राधा गिरिधारी है राधा मदन मोहन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का इसलिए यहाँ पर भी सारे ठाकुर विद्यमान है इसलिए हम कल श्रवण कर रहे थे ये जो स्थान है ये परिशिष्ट लीला महाप्रभु का परिशिष्ट मतलब महाप्रभु नवद्वीप में बाल्य लीला पौगंड लीला कैसर लीला की है ट्रांसलेट कौन कर रहा है ओके ठीक कर रहे हैं ठीक इसलिए और महाप्रभु का जो अंतिम लीला महाप्रभु यहाँ पर अंतिम लीला लास्ट लीला किया है इसलिए जो व्यक्ति नवद्वीप धाम परिक्रमा के बाद में श्री क्षेत्र धाम परिक्रमा कर लेते हैं उनको पूरा जो परिक्रमा की फल उनको पूरा के पूरा ये परिक्रमा करने का सारे फल उनको प्राप्त हो जाता है इसलिए अभी हम जहाँ पर पहुंचे हैं इसलिए प्रभुपाद ने 64 मठ उन्होंने स्थापना किया है जैसे भक्ति का 64 अंग है इसलिए उन्होंने 64 मठ प्रभुपाद ने स्थापन किया 64 मठ में उसमें ये एक अन्यतम मठ है इसलिए प्रभुपाद जहाँ बैठे हैं श्रील प्रभुपाद का भजन कुटीर यहीं पर महाप्रभुपाद ने बैठ करके जो 7 करोड़ जो नाम यज्ञ करते थे हाँ महाप्रभु दिन श्री प्रभुपाद ने दिन में 3-3 लाख हरि नाम करते थे बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद यहीं पर बैठ करके भजन करते थे अभी श्रील प्रभुपाद की वैशिष्ट का ऊपर श्रील बन महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताया करते थे लेकिन हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के लिए बहुत बड़ी बात कहते थे वो कहते थे अभी तक दुनिया में जितने आचार्य आए हैं जगत में जितने आचार्य जितने साधु दुनिया में अभी तक आए हैं एक तराजू ले लो एक तराजू का एक तरफ में उनकी सारे वैशिष्टता को एक तरफ में रख लो लेकिन इसलिए प्रभुपाद का जो वैशिष्ट है प्रभुपाद का जो देन है अगर तराजू का एक तरफ में रखोगे आप देखोगे प्रभुपाद का जो तराजू का जो भारी है वो भारी पड़ेगा अभी तक जितने साधु जगत में आए हैं मतलब इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के लिए इतने बड़ी बात कहते थे कभी कभी इसी बात पर मैंने शंका जाती थी बोले ऐसे कैसे हो सकता है रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निम्बार्क कितने कितने बड़े साधु आए महाप्रभु का कितने साधु अभी तक जगत में आए कहते तराज में अगर सबका जो देन सबका जो अवदान को एक तरफ में और इनके अवदान को एक तरफ पल्ला कैसे भारी पड़ेगा कभी कभी इसी विषय पर ना मेरे मन में शंका हो जाती थी ऐसे कैसे हो सकता है लेकिन मैंने सोचा नहीं ये बात सही है क्योंकि कहते ये प्रभुपाद है कौन प्रभुपाद के लिए बताए ये प्रभुपाद थी राधा रानी की नयन मणि मंजरी राधा रानी की नयन मणि मंजरी नयन मणि मंजरी मतलब क्या नयन मतलब आंखें हैं मणि मतलब आंखों के अंदर में जो पुतला है वही पुतला ही श्रील प्रभुपाद का रूप में जगत में आए हैं ये राधा रानी की आंख की ये पुतला है हैं इसलिए होने का नाते जैसे बताए ना मुनिंद्र बृंद बंदित त्रिलोक शोक हारिणी
प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम। कहते ना कदा करी ससी हम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे श्रीमती राधा रानी, कब हमें अपना कृपा कटाक्ष, आपकी कृपा कटाक्ष कब हमारे ऊपर में पड़ेगा, कब ऐसे हम लायक ही बने। इसलिए राधा रानी की जो कृपा कटाक्ष है, राधा रानी को प्रभुपाद कौन, राधा रानी की नयन मणिमंजरी आंख की पुतला है, वो जो कृपा कटाक्ष है राधा रानी की, ये श्रील भक्ति सिद्धांत, ये सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। इसलिए राधा रानी की कृपा कटाक्ष को साथ में थोड़ी कोई बड़े हो सकते हैं। इसलिए बोले उसमें क्या बताया, मुनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। कहते उनका कृपा कटाक्ष करती है क्या, बोले त्रिलोक शोक हारिणी, तीन लोगों का जो शोक है दुख को नष्ट कर देती है इनकी कृपा है राधा रानी की। इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी किया था, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमर नाम, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी, एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी का लोग आनंद हो करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी ये है। यद्यपि ये वाणी को महाप्रभु ने जिन जिनियों को द्वारा करवाना जितना था करवाए, लेकिन अगर पूर्णतम रूप में देखो महाप्रभु का भविष्यवाणी को संपूर्ण पृथ्वी में किसने प्रचार प्रसार किया, आप लोग किसने किया है, अरे बोलो जोर से, प्रभुपाद। बोल नहीं रहे हो, किसने किया, प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद ने किया। अगर ये प्रभुपाद नहीं आते है ना, यहाँ जो हम बैठ करके तिलक लगाए कंठी माला पहन करके थोड़ी बहुत जो हम कोशिश कर रहे हैं, भजन तो कर ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, साधन भी कोशिश कर रहे हैं, भजन तो बहुत दूर है, संबंध ज्ञान से भजन होता है। अभी जो थोड़ी बहुत साधन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, गले में माला कंठी तिलक लगा करके, ये किसकी कृपा है, किसकी कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है। अगर ये महापुरुष नहीं आते, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर का भी भविष्यवाणी यही था, एक दिन ऐसे दिन आएगा काले और गोरे ये दोनों मिलकर के निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, ये दोनों मिलकर के साथ में करेंगे, इसलिए इनका भी भविष्यवाणी है। इसलिए केवल प्रभुपाद कृपा, मैं जब सोचता हूँ ना, मेरे गांव कहाँ पर ना, आप सोच नहीं सकते, किसी गांव की कोने में सोच भी नहीं सकते। और इन लोगों का जब देखोगे, ये कहाँ रशिया से आए, रूस की, अमेरिका, ब्राजील और चाइनीज और कहां से, हमारे भारत से भी कहां अलग अलग, लेकिन हम सबके सब एकत्रित होकर के यहाँ पर जो बैठे हुए ना, ये केवल प्रभुपाद का ही ये आशीर्वाद है। अगर ये प्रभुपाद नहीं होते, हम जो कोशिश कर रहे हैं, कभी भी हमसे भजन कुछ नहीं होता। प्रश्न है फिर उन्होंने इनकी कृपा हुई कैसे, कारण क्या है, यही है ये राधा रानी ये जगत का एक तरह से माँ है, जगत की माँ श्री राधा रानी, हर समय राधा जी की आंखों से हर समय अश्रु विसर्जन होती है। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है हम सब उनकी संतान हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। अगर बच्चे अगर दुख पाए ना, पिता माता कभी सुखी हो ही नहीं सकते, बच्चों का सुख देख करके पिता माता सुखी होते हैं। इसलिए राधा रानी के नेत्र से हर समय आंसू विसर्जित होते हैं। ये जीव का कल्याण कैसे हो, ये जीव भक्ति कैसे करे, भजन कैसे करे, इनकी उद्धार कैसे हो। इसलिए राधा रानी की जो अश्रु जो कृपा ही कहते हैं ना, शुभ दृष्टि कर प्रभु जगतेर प्राति जागो का हृदय मोर सुमंगला राति। इसलिए शुभ दृष्टि कर प्रभु जगत प्रति, उनकी जो शुभ दृष्टि है वो जगत का प्रति हुई, तभी हम अलग अलग जगह से बैठ करके यहाँ पर एकत्रित हुए और भजन के लिए थोड़ी बहुत हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये राधा रानी की नयन मणि मंजरी, अभी राधा रानी की जो इच्छा क्या है,
राधा रानी क्या चाहती हैं? जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार हो, जगत में सबके सब भजन करे, हाँ भजन करे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी आ करके विश्व ब्रह्मांड में सारा दुनिया में भक्ति को प्रचार किया, सारा दुनिया में भक्ति प्रचार की। इसलिए मेरे गुरुदेव प्रभुपाद के लिए मेरे गुरुदेव कहते हैं प्रभुपाद जी जो उनका जो नित्य परिकर है, उनका जो नित्य परिकर है, उनके लिए प्रभुपाद एक रूप है, लेकिन साधारण जगत के लिए उनका एक रूप है। बोले क्या रूप है? कहते उनका जो नित्य परिकर है प्रभुपाद के, उनको सामने प्रभुपाद क्या है? कहते ना वृषभा नो सुता दई तानु चरम चरणा श्री तरे नो उनकी परिकर के लिए ये कौन है? बोले वृषभानु सुता दई तानु चरम। श्री वृषभानु राधा रानी के जिसे इनके स्तुति में कहते हैं ना नामयम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री भार्ष भानवि देवी दईताय कृपाद्वय। श्री भार्ष भानवि देवी श्रीमती राधा रानी की ये निज जन है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति के लिए कहते वो क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत ये टाइटल दिया किसी ने? बोले तथा कथित जितने सारे विद्वान मिल करके श्रील प्रभुपाद को ये भक्ति सिद्धांत टाइटल उसी समय में सारे विद्वान मिल करके दिया उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। दूसरे सरस्वती मतलब बाघ देवी, साक्षात बाघ मई मूर्ति, इसलिए बाघ देवी सरस्वती। कहते ये साक्षात श्री उसी समय प्रभुपाद इतने बड़े विद्वान थे जो ज्योतिषी विभाग का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल था, केवल एक अयनांश को लेकर के विचार हुई, सबसे बड़े ज्योतिषी का जो बड़े पंडित था, लेकिन प्रभुपाद का विचार सुन करके कुर्सी में बैठ कर पेशाब टाटी कर दिया उसने, पेशाब टाटी कर दिया प्रभुपाद की विचार सुन करके। तो उसने कहा देखो जब तक आप इस पोस्ट को ले लो, ज्योतिष विभाग का जो प्रिंसिपल का पोस्ट, प्रभुपाद ने कहा देखो भैया मैंने ये ईट पत्थर तारा को गिनने के लिए नहीं आया, मैं तो महाप्रभु का के पियन हूं, केवल महाप्रभु का बारी प्रचार करने के लिए मेरे को जरूरत नहीं। उन्होंने कहा देखो जब तक आप दुनिया में रहेंगे तब तक ये पोस्ट आपके लिए खाली रहेगा, इसमें और कोई नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आपके बराबर जगत में कोई है नहीं, इसलिए पोस्ट को खाली रखना पड़ा। ऐसे प्रभुपाद के अंदर में विद्वता की जो अंतिम जो सीमा है, इनके अंदर में ऐसे विद्वता के अंतिम सीमा प्रभुपाद के अंदर में रहे। ऐसे प्रभुपाद जिस समय प्रभुपाद आए, ऐसे उन्होंने प्रचार किया दुनिया में, ऐसे उन्होंने प्रचार किया सारा दुनिया में टहलका मचा दिए, सारे संप्रदाय सबके सब कांप उठे। दूसरे संप्रदाय के कुछ लोग आए बोले प्रभुपाद अगर दो चीज को छूट दे दोगे ना, ये जगत में जितने संप्रदाय कोई संप्रदाय नहीं रह जाएगा, केवल एक संप्रदाय रह जाएगी श्री गौड़ीय संप्रदाय, एक ही धारा रह जाएगी, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की धारा। बोले इसलिए प्रभुपाद की केवल एक धारा रह जाएगी। बोले दो चीज क्या छूट है? बोले एक चाय को छूट दे दो और के बीड़ी, एक चाय की छूट दे दो और एक बीड़ी की छूट दे दो, अगर ये दो चीज छूट दे दोगे ना सारा दुनिया लोग आप में आ जाएंगे। प्रभुपाद ने क्या बोले? बोले हमें हजार तारों की जरूरत नहीं, एक चंद्रमा की जरूरत है, एक चंद्रमा सारा दुनिया को आलोक कर देता है, लेकिन हजार तारे कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हमें तो एक व्यक्ति चाहिए जो कि महाप्रभु की धारा में आए और सचमुच से भजन करे। इसलिए आप जो विदेश से आए ना, जो ब्राजील रशिया अमेरिका, अब लोग हम धन्यवाद देते हैं खैर हलान, इसलिए अब लोगों को ना जो आप लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे भारत के जो लोग है ना उनको बोले चाय छोड़ने के, प्याज छोड़ने के लिए बोले तो आधा फेट हो जाते हैं, अगर बोले चाय छोड़ देना बस मर जाएंगे, ले अगर उनको बोले चाय छोड़ दो ये तो पूरा मर ही जाएंगे, बोले चाय छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप सभी चाइनीज ब्राजील अमेरिकन और रशिया, आप लोग हम धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आई गिव यू
thank you to you. Why you are followed to, you know, where is the four place in Kali, you are followed to this four principle. But Indian, now they are to coming to Gurudev, still now drinking tea. Still now they are drinking tea. Oh, they are telling, oh, I am the follower of Prabhupada. Prabhupada telling, they are not my follower. You know, Mahaprabhu, then you can completely follower when you left this all bad thing. But your Western country is coming, but you are follow this four principles. So everybody, I get you are going to thank you. इसलिए प्रभुपाद ने ऐसे कड़क थे, इसलिए प्रभुपाद ऐसे उन्होंने भक्ति प्रचार की जगत में, इसलिए वो जन्म कहाँ पर हुए, प्रभुपाद पुरी में, जगन्नाथपुरी में जन्म हुए, पुरी में जन्म हुए। भले ये पुरी में क्यों जन्म हुए, ये तो राधा रानी की नयन मंजरी मंजरी, इनको तो कहीं वृंदावन और कहीं जगह जन्म, यहाँ पर क्यों जन्म हुए? कारण है ये जो पुरी है ना वो साधारण जगह नहीं, पूरी मतलब जो पूरी खाते वो पूरी नहीं है, इसलिए जो पूरी मतलब होता है पूर, जहाँ पर भगवान की निवास है, जैसे अयोध्या माया काशी कांची अवंतिया, ये सात पूरी है जहाँ पर भगवान की निवास, और उसी क्षेत्र राधा रानी के क्षेत्र है, और विशेष करके जो पूरी धाम है ये विप्रलंब स्थान है, विप्रलंब स्थान है यहाँ पर, इसलिए विप्रलंब, इसलिए प्रभुपाद ये जैसे कुरुक्षेत्र को महाप्रभु प्रभुपाद बड़े महत्व देते, बोले क्यों, बोले राधा कृष्ण की वहीं पर बड़े मिलन वहीं पर हुई, और ये विप्रलंब स्थान है, और यहीं पर ही श्रीमन महाप्रभु वो तो राधा कृष्ण दूती राधा कृष्ण मिलकर फिर पुरी में क्यों आए, कारण क्या, बोले पुरी जो धाम है ये विप्रलंब स्थान श्री जगन्नाथपुरी, और जो जगन्नाथ जो विग्रह है ये भी बड़ा महत्व है, महाप्रभु क्यों जगन्नाथ जी को क्यों दर्शन करते थे, ये तो राधा भाग में विभावित है, इसलिए बन महाराज आपको सारी कथा सुनाएंगे, बन महाराज जी क्योंकि जो जगन्नाथ जी क्यों हुए, जिसको हमारे भक्त गुरुदेव ने जगन्नाथ जी रथ यात्रा में सारी कथा सुनाई, कि जो एक तो स्वयं कृष्ण ब्रज की कथा सुनते सुनते द्रवीभूत होकर के ये एक जगन्नाथ हुए, दूसरी कथा जो गुरुदेव ने सुनाए, जब श्री कृष्ण है जिसे जब कृष्ण वृंदावन में पहुंचे राधा रानी के पास में, राधा रानी की प्रेम का जब दर्शन किए, दर्शन करके कृष्ण चमत्कृत हो गए, फिर तो राधा जी की प्रेम में द्रवीभूत हो करके ये जगन्नाथ जी रूप धारण करते हैं, जगन्नाथ जी, इसलिए जो रूप है वो साधारण रूप नहीं, महाप्रभु जैसे, महाप्रभु जैसे कृष्ण प्रेम में कभी द्रवीभूत हो जाते हैं, कभी ग्रंथि अलग हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ये जो जगन्नाथ जी ये केवल राधा जी की प्रेम में वो द्रवीभूत रूप श्री जगन्नाथ जी है, इसलिए महाप्रभु रोज ये मूर्ति दर्शन करते थे, इसलिए प्रभुपाद यहीं पर जन्म हुए, और जिस समय प्रभुपाद को ले जा रहे थे, जहाँ ये जगन्नाथ जी रथ यात्रा हो रही थी, जगन्नाथ कहाँ पर जाकर रुक गए, प्रभुपाद को घर के सामने जगन्नाथ जी रुक गए, बोले वहां पर किस लिए रुके, कारण क्या, बोले कारण यही था वहां पर श्री प्रभुपाद जन्म हुए, उनके नयन मणि मंजरी जन्म हुई, तीन दिन तक वहीं पर खड़े हुए गए नहीं, इसलिए प्रभुपाद का एक शिष्य बहुत अच्छी बात बताए, क्यों जगन्नाथ जी तीन दिन तक रुके, जगन्नाथ जी रुके प्रभुपाद उसी समय आ सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने तीन दिन को बाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर तीन दिन बाद में लाए, कितना दिन बाद में, तीन दिन के बाद में क्यों लाए, जगन्नाथ जी तीन दिन से खड़े हुए हैं, ये कौन सा मर्यादा है, जो कि साक्षात कृष्ण खड़े हुए और राधा रानी की नयन मणि मंजर वो तीन दिन तक आए नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर लेकर क्यों नहीं आए, उसका रहस्य बताए प्रभुपाद का शिष्य, रहस्य कहते हैं, कहते ये कृष्ण कौन है, कहते वही काले हैं जो कल बोल करके परसों बोल करके बरसों बीत गया, कृष्ण गए थे बोले कल आ जाऊंगा, नहीं तो परसों कंस को मार कर आ जाऊंगा, लेकिन परसों बोल कर कितना हो गया, बरसों हो गया, अभी वो काले अभी लौटा नहीं, इसलिए राधा रानी की नयन मणि मंजरी प्रभुपाद है, इसलिए बोले नहीं वहीं पर कृष्ण जैसे राधा रानी जब मान करती है ना, कृष्ण क्या करते हैं, दरवाजा पर खड़े होकर हाथ जोड़ करके बोले जत किंकर बहु स खड़काक वाणी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले, जहां पर श्री श्याम सुंदर हाथ जोड़ते हैं कुंज में जाने के लिए, लेकिन सखिया जाने नहीं देती उनको, अंदर में प्रवेश करने नहीं देते, इसलिए श्री प्रभुपाद राधा रानी के नयन मंजरी मंजरी, इसलिए तीन दिन तक नहीं आए, बोले तुम वही काले ना, परसों बोलकर बरसों हो गया, अभी तक भी तुमने आए नहीं, खड़े रहो, जगन्नाथ जी तीन दिन तक वहीं पर खड़े रहे गए नहीं, लेकिन भक्त विनोद ठाकुर कौन है, कमल मंजरी, ये मंजरियों का काम क्या है, कहते राधा जी के अनुगत्य में रहकर सेवा करे, इसलिए भक्त विनोद ठाकुर ला सकते थे, लेकिन ये कमल मंजरी है, बोले नहीं अब तीन दिन तक खड़े रहो, कृष्ण जैसे कुंजों के बाहर में खड़े रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने प्रभुपाद को लेकर के आए ना, कहते उनकी गला से एक माला गिरी, वो माला का नाम है अधरा,
अधर मालाएं, अधर माला इसको कहते हैं। जगन्नाथ जी गले से के माला गिरी, माला क्यों गिरी? जैसे राधा रानी की कृपा कटाक्ष से कहते ना, बंसी करार निपतित स्खलितम सिकंडम, राधा रानी की एक दृष्टि पड़ते ही श्याम सुंदर का वस्त्र भी गिर जाता है, उनके मयूर मुकुट बंसुर भी गिर जाती है। मानो श्री जब प्रभुपाद को लेकर गए, जगन्नाथ जी गले से माला भी गिर पड़ा। जगन्नाथ जी प्रसन्न खुश हो गए और श्री प्रभुपाद को जब लेकर के आए, फिर रथ वहां से, फिर दो बार रथ वहां से चलती है, उसको पहले रथ नहीं चलती है। इसलिए जो पूरी धाम है ये महाप्रभु का परिशिष्ट लीला है और ये स्थान प्रभुपाद की भजन कुटीर ये स्थान है। और महाराज जी बता रहे थे, महाप्रभु जब ये पर्वत को दर्शन करते थे वो सोचते थे ये पर्वत नहीं श्री गिरिराज गोवर्धन है, और गिरिराज जो गोवर्धन है इसकी अनेक अनेक महिमा महाराज जी इनकी बहुत सारी महिमा बता रहे थे। क्योंकि हम वहां पर श्रवण किए थे, कृष्ण इनका नाम गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन है। गिरिराज मतलब क्या? बोले गिरियों में जो राजा है। गोवर्धन मतलब क्या? गो मतलब इंद्रियां, वर्धन मतलब होता है जो इंद्रियों को सेवा करते हैं। यद्यपि सभी ने सेवा की लेकिन श्री गिरिराज गोवर्धन जैसे सेवा की और किसी ने ऐसे सेवा नहीं की। कौन सा सेवा की? भगवान की रासलीला में मदद किया। इसलिए कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं, ब्रज गोपियां तो कृष्ण की देख करके बोले बाबा रे, क्योंकि रासलीला से पहले ये गिरिराज धारण है। अभी रासलीला में कैसे गोपियों का आकर्षण करे, इसलिए कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया। 7 साल की बालक 7 दिन तक, और उन्होंने 7 क्रोश गिरिराज को उन्होंने उठा लिया, जिसको देख करके गोपियां और राधा रानी जिसको देख करके मुक्त हो गए, बोले बावारी बड़ा पहलवान है, हैं? 7 दिन तक, जैसे उदाहरण दिया ना, जैसे कोई हीरो जब हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है, हीरोइन को सामने कुछ बहादुर दिखाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने एक काली और सर पर नृत्य की और एक गिरिराज गोवर्धन उन्होंने उठाई, जिसमें सभी का तन मन आकर्षण कर लिया, प्रभु का रासलीला हो गया। और कृष्ण की इच्छा थी, कभी कभी राधा जी से और गोपी जी से मिलना बड़ा कठिन होता था, कभी छुप छाप कर मिलते थे, लेकिन जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन उठाया, फिर तो बारिश ही हो रहा है, सबको तो नीचे आना ही पड़ेगा, सबको मजबूर में नीचे आना पड़ा, सभी को, जो राधा रानी को दूर से देखना गोपियों को कठिन होता था, जब कृष्ण गिरिराज उठाए सबके सब सामने आ गए, सामने आ गए तो आसानी से सबसे मिलन हो गया। और कृष्ण 7 दिन तक ये गोपियों के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में वहां पर उन्होंने बड़े सुंदर उत्सव मनाया। इसलिए बहु रूप में श्री गिरिराज गोवर्धन धारण किया। हम लोग बड़े भाग्यवान इस स्थान में आए, यहाँ प्रणाम करो, प्रभुपाद का आशीर्वाद मांगो, गिरिराज गोवर्धन का आशीर्वाद मांगो, क्योंकि इनकी कृपा से ही कृष्ण लीला में हमारी प्रवेश होगा। ठीक है, बोले श्री गिरिराज महाराज की। अब जोर से क्रोच, जोर से बोले गिरिराज महाराज की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। सफर कर गौर हरि की। बन महाराज की। देखो हरे कृष्ण, देखो कल है।